हे मुनिवर, वैसे आप योग्य हैं अपनी सेवा में, पर इस सेवा के लिए बिल्कुल अयोग्य हैं। मुझे क्षमा कीजिए। हे विद्वानों में श्रेष्ठ, वैसे आप योग्य प्रतीत होते हैं और आप योग्य हैं भी, क्षमा कीजिए, पर इस सेवा के लिए आप अयोग्य हैं, मुझे क्षमा कीजिए। ओह, आखिरकार चारों वेदों का ज्ञाता कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य। हरि बोल। हरि। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, इनके सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य। सभी सन्यासियों के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य। योग्य जनों को योग्यता प्रदान करने वाले कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य नवद्वीप निवासी, विशारद शास्त्री के पुत्र, विद्यावाचस्पति के भाई, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, कुलीन ब्राह्मण, जगत गुरु, बड़े बड़े सन्यासियों, विद्वानों को शिक्षा प्रदान करने वाले सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथ मंदिर का मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया जाता है। निमाई पंडित 24 वर्ष की आयु में सन्यास लेने के बाद अपनी माता सच्ची के आदेशानुसार जगन्नाथ मंदिर की ओर शांतिपुर से चलते हैं। उनके साथ नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद पंडित और गदाधर पंडित हैं। भागर नदी के तट पर जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास स्नान के लिए जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु कौतुकी करते हुए उनके दंड को तोड़ देते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्रोध अपना प्रदर्शित करते हुए अपने सभी पार्षदों को छोड़कर जगन्नाथ मंदिर की ओर तीव्र गति से प्रेमाविष्ट होकर दौड़ते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथ माइक। कौन है ये? कौन है? देखिए तो जरा, कौन है ये? कहां से आया है? और से आया ये सन्यास? और ये ऐसे क्या हो रहा है? ये भीड़ कैसे इकट्ठा है? अरे भाई, इसे क्या हो गया? ये गिरा हुआ है जगन्नाथ जी के सामने, उठाओ। ये कोई सन्यासी है? अरे सन्यासी क्या हो गया? दर्शन कहां से आया है? अरे उठाओ, उठाओ भाई। अरे मूर्खों के राजा, मूर्खानंद सरस्वती है, तेरी बुद्धि तू घर पे रख के आया है? तू घुटनों से सोचता है? जी साहब, जी साहब, धमा हो जाए यहां से मूर्ख। अरे कोई मूर्छित बड़ा है, कोई करुणा नहीं है? मूर्खानंद सरस्वती गई। कितना सुंदर रूप है, ऐसा व्यक्ति तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। विलक्षण, अद्भुत है। हाँ, जगन्नाथ जी को भोग लगाने का समय हो गया है और मंदिर में यह व्यक्ति मूर्छित पड़ा है। अरे देखते क्या हो समझदारों, उठा करके इनको मेरे घर ले चलो। ध्यान से उठाना, गिराना नहीं। चलो आराम से। क्या रूप है, गेरवा कपड़ा भी पहना हुआ है, इसमें श्वास है नहीं है, जीवित है, मृत है,
जीवन का तो कोई लक्षण दिख नहीं रहा। हृदय की धड़कन भी नहीं है, पेट भी नहीं हिल रहा है, ये जीवित है या मृत है? रुई लेकर के आता हूं। रुई तो हिल रही है लेकिन बहुत ही हल्के से हिल रही है। जीवित तो है हाँ, अरे सुकून चैन की सांस आ रही है। इसका उपचार करें क्या करें? और तभी वहां पर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद महाप्रभु को खोजते हुए जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के नजदीक पहुंचते हैं। अरे अरे ये सन्यासी कौन है और कहां से आया है ये और ऐसे ये मूर्छित कैसे पड़ा है? अरे मिश्रा जी, आप भी कई बार जगन्नाथ जी के दर्शन किए हो? आज तक कभी बेहोश मूर्छित हुए? आपके पिताजी कभी हुए? आपके खानदान में कोई मूर्छित हुआ है? नहीं जी, मैं तो कभी मूर्छित नहीं हुआ। बताओ, ये सुंदर सन्यासी मूर्छित पड़ा है? बहुत सुंदर है। अरे जीवित है या मूर्छित कुछ नहीं कह सकते। अरे वो तो जरा वो तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी आ गए, उठा के अपने घर ले गए। पता नहीं कैसे होगा, कहाँ होगा, जीवित भी होगा या मृत होगा। हमने भी पहली दफा देखा ऐसे कोई मूर्छित हो गया। बहुत सुंदर सन्यासी था, अद्भुत सन्यासी था, अद्भुत सन्यासी, दिव्य सन्यासी था। मूर्छित हो गया, जीवित भी होगा कि नहीं पता नहीं, कहाँ होगा कैसे होगा। सुना तुमने इन पांडवों की बातें? सुंदर सन्यासी, वो भी मूर्छित, ये जरूर महाप्रभु के विषय में ही चर्चा कर रहे होंगे। प्रभु, और वो पर कैसे नवदीप से कब आए? गोपीनाथ, दंडवत प्रणाम। गोपीनाथ, और आपके साथ कौन कौन आया है? और नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं? आपको पता है, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने सन्यास ले लिया और वो अभी नीलाचल में आए हैं, पुरी में हैं। महाप्रभु पुरी आ चुके हैं, कहाँ है महाप्रभु? परंतु वो जब जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो वो मूर्छित हो गए और हम उनको ढूंढ रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य तो मेरा साला है। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य घर पे हैं। आइए आइए, हम सब वहां चलते हैं। आइए आइए आइए, इस तरफ से आइए। नित्यानंद प्रभु कृपा करके आइए। सार्वभौम महाप्रभु, मेरे महाप्रभु, मेरे प्राणदान मिल गए महाप्रभु, हमें मिल गए। अरे आप लोग कहाँ से हैं, कैसे आए हैं? अरे अरे, इसमें जो विकार प्रस्तुत हो रहे हैं वो तो साधारण व्यक्ति में हो ही नहीं सकते। और ये अब इनका हाल देख रहे हैं आप? अरे ये सामान्य बात है, कोई घबराने की सामान्य बात है? अरे अरे, व्यक्ति मूर्छित पड़ा है, है? और आप तो ऐसे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन की बातें कर रहे हैं। अरे आपका जानने वाला है ये, अरे कुछ चिंता तो व्यक्त करो। सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, अभी हम जगन्नाथ जी के दर्शन करके आते हैं। अरे अजीब लोग हैं ये, अरे उनको जानने वाला यहाँ पर मूर्छित पड़ा है। चलिए चलिए, ये शुक्र है महाप्रभु में। नारायण 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 नारायण।
अद्भुत बातें करते हैं दुनिया में, लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे व्यक्ति मूर्छित पड़ा है, आए हैं, मूर्छित व्यक्ति को देख के प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसन्न होकर चले भी गए हैं। अजीब लोगों का अजीब ही संसार है। जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ। चलिए महाप्रभु के पास चलते हैं। महाप्रभु, चिंता आ गई आपको? व्यक्ति 9 घंटे से ऐसे मूर्छित पड़ा है और आप कहते हैं सामान्य बात है, सामान्य बात है। अरे आपके क्या समाज में ये होता ही रहता है? लोग खड़े होते हैं, लोग ऐसे होते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महाप्रभु के जय हो, महाप्रभु के जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु की जय। कहाँ से आए, क्या है ये सब? ऐसे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। अरे ये कौन सा वैद्य होता है भाई, नाच गा करके मूर्छा से उठा देना? अरे मतलब कुछ तो यहाँ का कुछ करना चाहिए ना। देखिए आप सब आए, हमारे अतिथि हैं आप सब, तो आप सब लोग स्नान कराइए, आप सबके हम जगन्नाथ जी का प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। हाँ शीघ्र आइएगा, कवाल भी लोग हैं। स्नान करने के बाद महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ प्रसाद पाने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य घर में पुनः वापस आते हैं। आ गए, तो बहुत है। आइए विराजिए, विराजिए। क्या सौंदर्य है, इतना सुंदर व्यक्ति वैराग का जीवन कैसे बिताएगा, कैसे रक्षा करेगा, कब क्या हो जाए संसार में कुछ नहीं पता है। ये जवानी के जोश में संन्यास ले लेते हैं, वैराग का कपड़ा ले लेते हैं, क्या कर बैठते हैं। हमारा तो है, हम तो शुभचिंतक हैं, हमारा और क्या करें। बैठिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाइए, प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। आइए, प्रिय सार्वभौम, भगवान का ये 56 भोग सभी को प्रदान कीजिए। मुझे तो केवल लाफड़ा व्यंजन दाल माँ और अन्न प्रदान कीजिए, मैं एक सन्यासी हूँ। लाफड़ा, लाफड़े से क्या होता है? अरे संसार में इतने लफड़े हैं, सिर्फ लाफड़े से काम चला। आइए, अरे जो जगन्नाथ जी ने पाया है वही तो खिलाएंगे, वही तो खिलाएंगे आपको। वैसा भी पाया, जगन्नाथ जी ने पाया वैसे ही आपको खिलाएंगे। आए लीजिए भाई। महाप्रसाद गोविंदे, नाम ब्राह्मण वैष्णव, स्वल्पा पुण्य बताम राजा, विश्वास नहीं बचाए, श्री जगन्नाथ महाप्रसाद की।
भाई संतोष से पाएगा और चाहिए बताइएगा, जगन्नाथ जी के धाम में कोई भूखा नहीं रहता, सबको प्रसाद मिलता है। सरह प्रसाद पाने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से निवेदन करते हैं कि महाप्रभु और उनके पार्षदों को उनकी मौसी के घर में छोड़ा, क्योंकि वह एक एकांत स्थान है। गोपीनाथ आचार्य, सबको हमारी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ा, एकांतवास हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। नमो नारायण। कृष्णे मति रस्तु। ओ, ये वैष्णव साइड का है। ओके वैष्णव, ओके ठीक है भाई। अरे रहने दीजिए, अरे मैं कर दूंगा। पाठशाला का समय हो गया है, बच्चों को पढ़ाना भी है। भाई सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, ये कार्य हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लाओ किताब पकड़ाओ अपनी। तो आज हम वचन की चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक गुरुदेव। दुनिया में लोग वचन देते हैं, वचन तोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कौन से वचन होते हैं। एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। ठीक गुरुदेव। नए विद्यार्थी भी आए हैं। अरे गोपीनाथ आचार्य आए हैं, आइए आपके वचन सुनाइए। हाँ सार्वभौम, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ सभी पार्षदों को तुम्हारी मौसी के यहाँ पर छोड़ आया था, अब वो आराम से एकांत में निवास कर सकते हैं। ये मैं सोच रहा था, मैं देखा इतना सुंदर रूप, अरे ये भला है कौन, इनके थोड़ा परिवार के बारे में बताइए, इनका परिचय दीजिए, कौन थे, हम तो सोचते ही रह गए कहाँ से है कौन है। सार्वभौम, ये सन्यासी का नाम था श्री कृष्ण चैतन्य, और वो परम सौभाग्यवान केशव भारती उनके सन्यास गुरु हैं। हाँ क्या बात है, उनके परिवार के बारे में बताइए, उनका परिवार कहाँ से है। सार्वभौम, श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र हैं, और पहले उनका नाम विश्वाम्बर मिश्र था, और नीलाम्बर चक्रवर्ती उनके नाना हैं, और वो नवद्वीपवासी। अरे नीलाम्बर चक्रवर्ती। हाँ नीलाम्बर चक्रवर्ती। अरे हमारे पिताजी और नीलाम्बर चक्रवर्ती जी ना, अरे साथ ही पाठशाला जाते। अच्छा। अरे वो जगन्नाथ मिश्र है, अरे वो पवित्रता धर्म ज्ञान की मूर्ति है, अरे उनका पुत्र है, तब भी हम कहें क्या परिवार होगा इस व्यक्ति का। बहुत बढ़िया, और क्या नाम बताया तुमने उनका? श्री कृष्ण चैतन्य। अरे श्री कृष्णा तो बहुत ही अच्छा नाम है, चैतन्य ये भारतीय संप्रदाय वाले। हाँ ना समझी में जल्दबाजी में दूसरी श्रेणी का संन्यास आश्रम ले बैठा, ले कोई नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है। यदि उनको उचित लगे तो उनको पढ़ा के लिखा के हम उनका उच्च कोटि के सन्यास आश्रम में दीक्षा करा सकते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग होगा, थोड़ा उनको हम भक्ति शास्त्री वगैरह करा देंगे, तो वो सारस्वत सन्यास आश्रम उसमें उनको प्रशिक्षण दे देंगे। सार्वभौम, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण सन्यासी नहीं है। अरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय से उन्हें संन्यास दीक्षा ली या उत्तम श्रेणी से,
वो कोई जीव नहीं है, उनके अंदर भगवान के तो सभी लक्षण हैं, वो परमेश्वर है परमेश्वर। अरे आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो परमेश्वर है? आपके पास क्या प्रमाण है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो? ये मेरा कहना नहीं है, ये शास्त्रों का कथन है, पूर्वती आचार्यों का कथन है, मैं अपना मत नहीं बोल रहा हूँ। अरे अनुमान से भी जाना जा सकता है भगवान को? तो अनुमान से ईश्वर तत्व के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान का ज्ञान तो शास्त्रों से प्राप्त होता है, लेकिन शास्त्र भी भगवान की कृपा से ही समझा जाता है, और भगवान की कृपा तो बहुत बड़ी है, भगवान की एक लेश मात्र कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है, और ये प्रमाण श्रीमद् भागवतम में है। अथापि ते देव पदां बजादोय प्रसाद लेश अनुग्रहीत एव हि जनाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यो एके अपि चिरं विचिन्वान्। श्रीमद् भागवतम में ऐसे लिखा है कि भगवान के चरण कमलों को हम समझ सकते हैं अगर भगवान की कृपा प्रसाद लेश अनुग्रहीत एव हि। भगवान की कृपा तो बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा का एक लेश मात्र भी किसी जीव को प्राप्त हो जाए वही भगवत तत्व समझ सकता है। ओहो, आज तो हमारी पाठशाला में हमें को विद्यार्थी बनाने चले हो गोपीनाथाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बढ़िया। हमको बताओगे वेद शास्त्र क्या है? अरे कृपा से सब कुछ होता है। नहीं, तुमने कृपा का विभाग क्या भगवान ने तुम्हारे ही झोली में डाल दिया है? हमारी झोली तो ऐसी रह गई है, सारी कृपा तुम्ही को मिल गई, तुमने समझ लिया भगवान को? अरे सार्वभौम भट्टाचार्य, तुम जगत गुरु हो सकते हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हो, विश्व विख्यात पंडित हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या? कि तुम शास्त्र के मर्म को समझ चुके हो। अरे मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई है? क्योंकि तुम्हारे घर में वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रहे थे, तुमने देखा था वो अधिरुद्ध भाव, वो सुदीप्त सात्विक विकार जो सिर्फ भगवत तत्व में हो सकता है, लेकिन ये लक्षण देखने के बाद भी तुम नहीं समझ पाए कि वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। और मुझे कैसे प्राप्त हुई है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, इस मर्म को मैं समझ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में अभी तक ये समझ नहीं आई है। लेकिन ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये दोष है मायावाद सिद्धांत का। अरे क्या लगा दिया भाई यार, अरे ऐसे हृदय पे बातों को नहीं ले लेते, चोट लग गई क्या? अरे हम तो शास्त्रों की बात ही तो कर रहे हैं, और क्या, अब तुम हमें शास्त्र पढ़ाओगे क्या? अरे सूरज पश्चिम से निकलेगा। अरे शास्त्र में लिखा है, अरे प्रभु तो त्रियुगी हैं, अरे काला युग है आने से वो भी डरते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर में आते हैं वो, कलयुग में कहाँ आते हैं? अरे बड़े शास्त्रों के विद्वान समझते हो तुम अपने आप को सार्वभौम भट्टाचार्य, अब मुझसे सुनो। क्या? उसी शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवतम और महाभारत ये दो ऐसे प्रमुख शास्त्र प्रमाण हैं जिसमें ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है कि कलयुग में भगवान निश्चित रूप से आते हैं। हाँ, भगवान का एक शुद्ध पवित्र नाम है त्रियुगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि भगवान का लीला अवतार सिर्फ तीन युगों में आता है। अरे लेकिन भगवान हर युग में अवतार लेके आते हैं, और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा है, कृष्णावनम तुषा कृष्णम संगो पंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेधसा। और ना सिर्फ श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में भी लिखा है, महाभारत में सहस्त्र विष्णु नाम में एक नाम भगवान का ये भी आता है, सुवर्ण वर्णो वर्ण अंगस चंदन अंग आदि संन्यासकृत क्षमा शांति निष्ठा शांति प्रायणा। इसका मतलब ये है कि कलयुग में जब भगवान आएंगे तो उनका रंग कैसे होगा? सुवर्ण रंग का होगा, हेम रंग का उनका अंग होगा, चंदन से उनका पूरा शरीर सुसज्जित होगा, संन्यास आश्रम में आएंगे, हमेशा शांत मुद्रा में रहेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेंगे। लेकिन ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि शुष्क ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि जो है मोटी हो चुकी है, मोटी। अब तो बस तुम ये प्रार्थना करो
कि भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा का लेश मात्र भी तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, तब तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये ज्ञान पड़ेगा। अरे आज तो नया ही अवतार लेके आए हैं। गोपीनाथ आचार्य अद्भुत है। तुम्हारे में प्रार्थना तो जरूर करूंगा सार्वभौम भट्टाचार्य, तो मेरे संबंधी हो तो मेरे भगवान से प्रार्थना रहेगी कि तुम भी शास्त्रों के इस तत्व को, इस मन को कभी ना कभी जरूर समझ पाओ। ठीक है, फिलहाल तो मैं समझ गया हूँ कि प्रसाद का समय हो गया। तुम्हारे जो हैं चैतन्य महाप्रभु, उनको प्रसाद तो दे दो। ठीक है, आपने ज्ञान दिया हमको, हम पहले से जानते थे, तुमसे सुनना चाहते थे, थोड़ा समझे नहीं थे बस, और कुछ तो प्रसाद की व्यवस्था करो। ठीक मिलते हैं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसाद सेवा करके आता। हाँ, हरे कृष्णा, नमो नारायण। आओ मुकुंद, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास चलो। पाठशाला समाप्त हो गई, चलो चलते हैं। अरे हमें को ज्ञान दे दिया गोपीनाथ आचार्य ने, कमाल कर दिया। महाप्रभु, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्रीमान महाप्रभु, आप तो सभी जीवों का कल्याण करने के लिए आए, लेकिन उसी में से एक बद जीव मेरा साला है, सार्वभौम भट्टाचार्य। मायावाद के सिद्धांत के कारण वो आपकी महिमा को नहीं समझता। वो इस बात से अवगत है कि आप स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कृपा करके मेरा भी उनसे संवाद हुआ, अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर भी रखिए श्रीमान महाप्रभु। ऐसा ना कहो गोपीनाथ, उनका हमारे प्रति वात्सल्य भाव है, वो हमारे पिता सदृश हैं, वो हमारे सन्यास धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, वो हमारी रक्षा करना चाहते हैं। अगर वो हमारी रक्षा करने ना आए होते तो आज हम श्री जगन्नाथ देव के नामों का उच्चारण करने के लिए बचे ना होते। उन्होंने तो हमें मार ही दिया होता, परंतु सार्वभौम ने अपने पिता सदृश प्रेम के कारण हमारी रक्षा करी। वो तो हमारी रक्षा ही करना चाहते हैं ना, ऐसा ना कहो उनके बारे में। आप तो आदोषदर्शी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। प्रसाद पाने के बाद चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से भेंट करने जाते हैं। मन में बड़ी उत्कंठा होती है और श्री कृष्ण चैतन्य से मिलने की। अरे आप सन्यासी हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, आपको प्रणाम करते हैं। कृष्णेर्मतिरस्तु, फिर से कृष्णेर्मतिरस्तु। हाँ, वैष्णव सन्यासी। आप ही के लिए तो हम यहाँ दर्शन आए थे। हमारे लिए? आपके वैराग्य, आपके ज्ञान, विद्वत्ता का श्रवण करके आपका संग प्राप्त करने के लिए ही हम आए थे। वही जो आपके हृदय में हमारे प्रति वात्सल्य प्रेम है, और जो हमारे पिता के साथ आपका प्रेम का संबंध था, उस कारण आपके प्रति हमारा स्नेह और बढ़ गया। हम तो यही सोचकर आए थे कि यदि सार्वभौम भट्टाचार्य हमें शिक्षा देंगे, तो इस जवानी में हमने मंदमति से वैराग्य तो ले लिया, अभी भय है कि लोक में हमारी निंदा होगी, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। यही तो चिंता मेरे को लगती है, युवावस्था में संन्यास की रक्षा करना। अरे जवान शरीर होता है और युवा शरीर के अंदर युवा इच्छाएं होती हैं, संन्यास वेश लेना तो हमें पता लगा नदियां से हैं और हमारे मित्र के परिवार से हैं, चिंता हो रही थी हमें। तो इसलिए हमने सोचा कि
आपको थोड़ा सा आपकी रक्षा हेतु आपको वेदांत की शिक्षा और दे दें, क्योंकि क्या है देखिए, संन्यास का मतलब है वेदांत दर्शन का अच्छे से गहराई से अध्ययन करना। और पृथ्वी पे अब हम हैं और आपको ये शिक्षा देंगे, आप सन्यासी हैं इसलिए आप श्रेष्ठ स्थान पे बैठिए, हम यहाँ बैठेंगे आपके सेवक के रूप में और आपको वेदांत दर्शन के ऊपर विशेष प्रशिक्षण देंगे। प्रिय भट्टाचार्य, मुझ मूर्ख सन्यासी पर ऐसी कृपा करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। विराजिए, मैं अभी वेदांत दर्शन के ऊपर शारीरिक भाष्य का सबसे विस्तृत वर्णन करने वाली पुस्तक को लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से अद्वैत भाष्य ही अद्वितीय भाष्य है। बस ये मैं आ गया। हाँ तो शुरू करते हैं। तो चार महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, जो कि उस ब्रह्म जो कि एक ही है, निराकार स्वरूप है, उससे विलग हो के ये सब हो जाता है, लेकिन गलती सुधारी जा सकती है, हमें फिर से वापस एक हो जाना है। तत्त्वम असि, तुम वही हो, यहाँ भटक गए हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम वही हो। तत्त्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म, वास्तव में ज्ञान के द्वारा ही एकत्व की प्राप्ति की जा सकती है। और फिर इसके आगे भी बहुत कुछ है इसमें, सुनो भाई, एक एक करके मैं भूलूँगा श्लोकों को, तुमको ध्यान से सुनना है और उसके ऊपर शारीरिक भाष्य सार्वभौम टीका का श्रवण करके संन्यास आश्रम में टिकना है। मैं टिकाऊँगा आपको भाई, हम टिका देंगे आपको, अभी टिकाता हूँ आपको मैं। अच्छा लगा, ये है शारीरिक भाष्य के ऊपर अद्वैतवाद के ऊपर अद्वितीय टीका को टिकाने वाले सार्वभौम भट्टाचार्य जी की टीका। लेकिन मैं देख रहा हूं ऐसे ही बैठे हो, 7 दिन हो गए, सुनते सुनते ना पलक झपकना, ना देखना, ना हाव ना भाव, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कुछ पुष्टि तो करो, आपको समझ में आ रहा है? देखो ये वेदांत सूत्र है, ये अच्छों अच्छों की बुद्धि में नहीं जाता,
तो कोई तुमको कोई शंका है, प्रश्न है, कुछ है तो पूछो। प्रिय भट्टाचार्य वर, जहां तक व्यास देव जी के सूत्रों की बात थी, वो तो सूर्य की तरह निर्मल ही लग रहे थे। हाँ। परंतु जो आपकी व्याख्या है, हाँ, वो मैं समझ नहीं पाया। हाँ? अरे ये तो बड़ी विपरीत बात हो गई। लोगों को जो सूत्र है वो समझ में नहीं आते, लेकिन व्याख्या समझ में आती है। आपके साथ तो विपरीत परिस्थिति हो गई, आपको सूत्र समझ में आ गए, हमारी प्रचंड प्रखर निपुण व्याख्या, अरे वो समझ में नहीं आई। अरे ये तो कमाल ही हो गया। अरे अरे नहीं समझ में आता तो प्रश्न पूछिए, हम किस लिए हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे ना। आचार्य, आपसे प्रश्नों की जिज्ञासा तो हम तब करते हैं जब आपके व्याख्या का कोई अर्थ होता। हाँ? अरे अर्थ नहीं तो क्या हमने अनर्थ कर दिया। हाँ? हम तो विचार कर रहे थे कि अनर्थों का पहाड़ घेर दिया आपने। अरे जिस प्रकार से एक सूर्य अति निर्मल है, पूरे विश्व को प्रकाशमान करता है, वैसे ही व्यास देव जी के सूत्र हैं। हाँ। परंतु तुम्हारी व्याख्या ने उस सुंदर सूत्रों को इस प्रकार से ढक दिया मानो कि घनघोर काला बादल सूर्य के सामने आकर के अंधकार छा गया हो पृथ्वी पर। अंधकार? अरे हमें तो लगता था हमारी टीका उजाला है, आपने तो उसे अंधकार बता दिया। हे भट्टाचार्य, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हाँ। आपको ऐसा विचार आना संभव ही था, क्योंकि सभी जीवों के निस्तार के लिए ही तो श्री व्यास देव जी ने इन सूत्रों को लिखा था। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुनि ले होए सर्वनाश। सर्वनाश? हे भट्टाचार्य, आपकी व्याख्याओं ने तो पूरा सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। सर्वनाश हो गया? जो सारे वेद शास्त्र उपनिषदों का सार स्वरूप वेदांत सूत्र व्यास देव जी ने लिखा, सारे जीवों का उद्धार करने के लिए, परंतु तुम्हारे मायावाद भाष्य ने उसको नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया। क्या कह रहे हो भट्टाचार्य? जिसको तुम निराकार बोलते हो, अगर केवल उनको निराकार ही कहा दिया जाए तो ये अधूरा रह जाएगा। जिस ब्रह्म से सबों की इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, जिस ब्रह्म के वजह से हर जीव को दृष्टि प्राप्त हुई है, जिस ब्रह्म की वजह से शब्द आया है, जिस ब्रह्म की वजह से रस आया है, वो ब्रह्म स्वयं रसहीन कैसे हो सकता है? रसोहम अपसुकोन्ते। भगवान ब्रह्म स्वरूप जो भगवान है वो रस के आगार है, और रस निराकार व्यक्ति से कैसे आएगा सार्वभौम? निराकार कहना गलत नहीं है, परंतु अधूरा है, क्योंकि निराकार का आधार आकार है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ये जो ब्रह्म है वो भगवान के शरीर की आभा है। ऐसा मत कहो कि केवल वही निराकार और तुम्हारा ही आकार। वो परम ब्रह्म जो है वो सबों को आकार देने वाले हैं और स्वयं आकार में है। या जल्पित श्रुति निर्विशेषम सशब्दीयते सविशेषमेव। जिनको श्रुतियां निर्विशेष कहती हैं,
उन्हीं श्रुतियों में उनके सविशेष मतलब उनके साकार रूप का भी वर्णन है सार्वभौम। विचार योग हंत तासाम, अपनी सती बुद्धि से उसका विचार करो, प्रायो बलीय सविशेष। जो भगवान का साकार रूप है वो हमेशा श्रेष्ठ है सार्वभौम, वो हमेशा श्रेष्ठ है। और वो उस साकार रूप जिस व्यक्ति के जीवन में आता है, जिसके हृदय में आता है, वो महाभाग्यशाली होता है। खाली सूत्रों से तुम वेदों को समझ नहीं सकते, सूत्रों की व्याख्या करने के लिए उन्हीं व्यास देव जी ने पुराणों की रचना की है। पुराणों में सूत्रों की पूर्ण व्याख्या है। श्रीमद् भागवतम सारे सूत्रों का सहज भाष्य है, और उसी श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी ने लिखा है, महाभाग महाभाग नंद गोप व्रजोक साम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वही पूर्ण ब्रह्म जो है, जो सनातन है, वो पुरुष है, और नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट होने के कारण समग्र ब्रजवासियों के भाग्यों का असली उदय हुआ। महाभाग्यवान ब्रह्मार दुर्लभ, ब्रह्मा को भी वैसा भाग्य नहीं प्राप्त हुआ जो भाग्य उन ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ। समझे भट्टाचार्य? आज तो कुछ ज्यादा ही समझ गए। अच्छा, ये जो आत्मा राम का जो श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के सातवें अध्याय के दसवां श्लोक है, आत्मरामश्च मुनियो, उस पे आपका क्या विचार है? सार्वभौम, जिस प्रकार से वेद व्यास जी के अन्य सूत्र निष्कलंक हैं, निर्मल हैं, वैसे ही शास्त्र श्रोमणि श्रीमद् भागवतम जो कि सिद्धांत रूपी रत्नों का आगार है, उनका एक एक श्लोक कृष्ण सूर्य के समान निर्मल है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है सार्वभौम। ये जो तुम आत्मा राम को भगवान के निर्रूप विकार रूप से, निराकार रूप से तुलना करने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारा दोष नहीं है। तुमने शारीरिक भाष्य का आश्रय लिया है, तुमने शंकराचार्य का आश्रय लिया है, और शंकराचार्य जी के आने का कारण ही यही था कि दुष्ट लोगों से भक्तों को अलग कर दिया जाए, जिससे कि भक्त भक्ति कर सके। मायावादम असत शास्त्र, मायावाद अच्छा शास्त्र नहीं है, भगवान शिव का कहना है। आत्मा राम चमुनयो निर्ग्रंथि अपि रुक्रमा, ये जो चर्चा है श्रीमद् भागवतम में, ये चर्चा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो आत्मा राम के स्तर पे पहुंचे हुए मनुष्य हैं, संत हैं, जिन्होंने परम गति को प्राप्त कर लिया है, वो जो निराकार ब्रह्म में अपने मन को लीन कर दिए, जिनको इस सृष्टि के अंदर और कुछ नहीं चाहिए, जो इस सृष्टि के किसी भी प्रलोभन से आकर्षित नहीं होते, स्त्री से, पुरुष से, धन से, ऐश्वर्य से किसी से आकर्षित नहीं होते, वो आत्मा में अपने ही अंदर रमण करने वाले व्यक्ति भी परम भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मानंदी सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए थे, ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य से कौन आकर्षित नहीं होगा सार्वभौम? अरे आत्मा राम श्लोक की हम तो 9 व्याख्याएं ही जानते थे, आपने तो 18 ऐसी व्याख्याएं दे दी और मेरी 9 को छुआ भी नहीं। अरे आप साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, आप निश्चित रूप से परम भगवान ही हो सकते हैं, ये कोई व्यक्ति संसार का कर ही नहीं सकता। अरे आज क्या सौभाग्य, क्या सौभाग्य है कि आज प्रभु के सामने मैं हूं। मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए आप
हमने किसी आचार्य को नहीं बल्कि स्वयं आए। ओह श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। इस 80 साल के बूढ़े के ऊपर आपने अंततः कृपा कर दी। आपने जगत में कईयों का उद्धार किया होगा, वो आपके लिए बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इस शुष्क हृदय वाले सार्वभौम भट्टाचार्य, इसके कठोर हृदय को पिघला दिया आपकी करुणा ने। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, निश्चित रूप से ये कार्य तो अद्वितीय है, कीर्तिमान है, पूजनीय है, स्मरणीय है। आपके चरणों में मैं शरणागत होता हूं। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री साधु भट्टाचार्य पर विशेष अनुकंपा दिखाते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना दिव्य चतुर्भुज और फिर त्रिभंग श्याम सुंदर रूप और फिर अद्भुत षटभुज रूप के दर्शन कराए। श्री कृष्ण चैतन्य, ओ श्याम सुंदर राम, ये दृश्य अरबों खरबों जन्मों के पुण्य के बाद भी ये दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। मैं समझ गया, आपकी कृपा के बिना आपके सुंदर रूप का दर्शन और ये षडभुज रूप जो कि और कोई नहीं देख पा रहा, परंतु मैं देख पा रहा हूं क्योंकि आपकी मेरे पे कृपा, आपकी मेरे पे कृपा। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा दिखाने के बाद एक बार चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल में जगन्नाथ जी के उठान दर्शन करने के बाद प्रातः काल ही मंदिर से सीधा सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर आते हैं और अपने साथ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आते हैं। प्रातः हो ही गई है, उठना है। श्री कृष्ण चैतन्य सार्वभौम, सार्वभौम जागो सार्वभौम। अरे महाप्रभु, आज तो आप सोते ही रह गए। अरे महाप्रभु, सार्वभौम लो, मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। श्री जगन्नाथ देव जी का उत्थान का प्रसाद है, महाप्रसाद। अरे अरे, ये क्या सार्वभौम? कृष्ण चैतन्य, ये क्या कृष्ण चैतन्य? ना स्नान, ना दातुन, ना संध्या, सो के उठे और तुरंत प्रसाद पाने लगे, ये क्या हो गया सार्वभौम? आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं,
बड़े बड़े विद्वानों को शिक्षा देने वाले हैं, संन्यास संन्यास की शिक्षा देने वाले हैं, आप बृहस्पति के शिष्य जैसे हैं, ये क्या हो गया आपको? ये आपकी कृपा के कारण है, आपकी कृपा के कारण। एक तो जगन्नाथ जी का प्रसाद हो, ऊपर से स्वयं प्रभु और साथ में जगन्नाथ जी का प्रसाद के साथ प्रभु की प्रभु स्वयं आए हैं प्रसाद देने के लिए। अरे ऐसी स्थिति में दिन हो रात हो, प्रसाद सूखा हो बासा हो, तुरंत प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद पाना तो भक्ति का एक बहुत ही विशेष कार्य है, बहुत ही विशेष कार्य है। प्रसाद का अर्थ ही है कृपा, जगन्नाथ जी की कृपा, वो भी स्वयं प्रभु देने के लिए आए। सार्वभौम, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ। आज मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई, पूर्ण हो गई आज मेरी सारी अभिलाष, सार्वभौम तुम्हें हो गया महाप्रसाद पे विश्वास। आज हमारा क्या वर्णन करें आपको, हर स्थान हमें वृंदावन नजर आ रहा है। सार्वभौम आज तुम्हारे हृदय के सारे मल नष्ट हो गए, तुम्हारे देह का ये सारा बंधन कट गया, आज तुम्हारा हृदय कृष्ण के रहने का स्थान बन गया, तुम्हें जगन्नाथ जी के प्रसाद पे विश्वास हो गया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय महाप्रसाद, जय महाप्रसाद। आज सार्वभौम मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया, क्योंकि अब मुझे तुरंत हमेशा तुम्हारे जैसे महाप्रसाद प्रेमी साधुओं का संग प्राप्त होगा। सार्वभौम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु के सार्वभौम भट्टाचार्य की जय। गौर प्रेमानंदे।